देहरादून में सैलून के अंदर घुसकर गोलीबारी मामले में एक घंटे के अंदर गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि एमएस रोड स्थित कुछ हरियाणवी युवकों ने जबरन एक हेयर सैलून के अंदर घुसकर सैलून के मालिक बाबर पर गोली चलाने का प्रयास किया। मामला गाड़ी पार्क करने को लेकर हुआ था। आपको बता दें कि जब हेयर सैलून के मालिक बाबर ने युवकों को सैलून के सामने गाड़ी पार्क करने से मना किया, तो युवकों ने सैलून मालिक के बाबर के साथ बदसलूकी करते हुए उनके ऊपर रिवॉल्वर से हमला करने की कोशिश की। हालांकि घटना में बाबर बाल बाल बच गया, लेकिन खुद को बचाने के चक्कर में गोली सैलून के अंदर की दीवार से जा टकराई। वही सूचना पर पहुंचे पुलिस ने मामले की पूरी जानकारी ली। बसंत विहार पुलिस ने अपनी काबिलियत का परिचय देते हुए मात्र एक घंटे के भीतर आरोपियों को धर दबोचा, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जानकारी के मुताबिक हेयर सैलून के मालिक बाबर ने बताया कि गोली हरियाणवी युवकों ने चलाई थी और आरोपी युवक नशे में धुत थे। इसके साथ ही उन्होंने विशेष समुदाय को लेकर अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। देहरादून से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। दो लोग एक गाड़ी में थे, उन्होंने एक बार्बर के साथ उसकी दुकान में इनके साथ कुछ ऑल्टरकेशन हुआ है और उसमें इनके द्वारा गोली चला के वहां से फरार हो गए थे, तो इस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई चल रही है। तो यहाँ पे पुलिस आई थी तो हमने उनपे कॉल किया था, पुलिस वाले आए यहाँ पे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारी, मतलब बंदों ने, हर बंदे ने, जितने अगर 8-10 पुलिस वाले आए थे सबने अपना नंबर दिया, कहा कि बेटे यहाँ कोई भी दिक्कत होगी, मेरे तो जीजा जी खुद उत्तराखंड पुलिस में है, ठीक है, हमारे साथ ऐसे हो रहा है, कल के दिन किसी और के साथ ऐसे हो जाता, ये चीजें देखो आप। तो नहीं, बहुत अच्छा था उनके तो अभी हमें चौकी में बुलाया, अभी हम चौकी में जाएंगे, वहां पे उन्होंने कहा कि अपनी रिपोर्ट लिखवा देना, तो अभी चौकी में जाना है हमें ना दोनों भाइयों को।